आप भी Realme 5, 5i, 5s डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं कि यहां पे Realme 5, 5i, 5s को 4G प्लस जो अपडेट है वो देखने को मिलता है या फिर नहीं मिल पाएगा सपोर्ट। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं विद प्रूफ के साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल यहां पे सपोर्टिंग की बात है तो सपोर्टिंग के लिए मैं बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपकी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां पे 4G लिख के आता है, एंड यहाँ पे 4G प्लस अगर लिख के आता है तो यहाँ पे नेटवर्क की स्ट्रेंथ और भी हमको अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी आप मेरी होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4G प्लस जो है सॉफ्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4G प्लस आपको देखने को मिल जाता है, कभी कभी रिफ्लेक्शन जो है इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको इस डिवाइस में जो है 4G प्लस Realme 5, 5i, 5s में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप मेरी होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको 4G प्लस जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चलिए बात कर लेते हैं मेरे पास कौन सा डिवाइस है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अबाउट फोन में जैसे ही जाता हूँ तो अबाउट फोन में आप यहाँ पे देख सकते हैं Realme 5 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G प्लस देखने को मिल रहा है। एंड नीचे की साइड में आपको दिखा देता हूँ, RMX1911 हमको जो है मॉडल देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं 4G प्लस हमको देखने को मिलता है, Realme 5 डिवाइस है। ठीक है, और मैं आपको जस्ट यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वहां पे अबाउट फोन में जाकर। ठीक है, जैसे हम अबाउट फोन में जाते हैं तो Realme 5 आपको देखने को मिल जाता है। i5s में जो है यहाँ पे 4G प्लस का जो सपोर्ट है वो हमको देखने को मिलता है, एकदम 110% देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम में कि आपको कैसे इनेबल करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं 4G प्लस हमको Realme 5, 5i, 5s में देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ये प्लस 4G प्लस का सिस्टम जो है आप अपने डिवाइस में जो यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिट है। आप चाहे तो Realme 5, 5i, 5s में जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट है हमारा C.67 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि कई यूजर्स होते हैं जो कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे जो भाई वीडियो है वो फेक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मैं आपको विद प्रूफ के साथ जो बात डिस्कशन करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे C.67 है और अभी भी 4G प्लस आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको इसकी आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है 4G प्लस, तो आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है डेफिनेटली जो प्रोवाइड करवा दूंगा कि यहाँ पे 4G प्लस कैसे आप जो कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे 4G प्लस आपके डिवाइस में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कंप्लीट एक उसके लिए भी वीडियो बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है Realme 5, 5i, 5s में जो 4G प्लस है उसको लेकर, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।